मी त्यांच्याबद्दलचं प्रतिक्रिया देत नाही, हा माझा स्वभाव पण नाही, ते आमच्या सूनबाई आहेत. पण एक गोष्ट सांगतो की या पद्धतीचं जे वातावरण नवीन भारताचं निर्माण केलं जाते आहे, लोक म्हणतात की आमचा जुनाच भारत पाहिजे, आणि म्हणून आता खऱ्या अर्थानं नवीन भारत कसा निर्माण झाला, काय झाला, त्याच्यावरची चर्चा झाली तर मूठभर लोकांच्या ताब्यात लोकशाहीचे सगळे आर्थिक ताकद देण्याचा जो प्रयत्न या नवीन भारतात झाला, हा नवीन भारत आम्हाला नको. आणि या नवीन भारताचे जे कोणी महापुरुष व्हायला निघाले असतील तर त्यांनाच लकलाभ आहे, एवढीच याच्यावरची प्रतिक्रिया मी देतो. हे बघा, कोणी आपली पाठ आपल्या हाताने ठोपटत असेल तर त्याला कुठलंही या लोकशाहीमध्ये बंधन नाही. पण त्या ठिकाणी एक गोष्टचं नेहमी सगळ्यांनी भान ठेवला पाहिजे, राष्ट्रपित्यांचा आणि महापुरुषांचा अपमान कोणी करू नका, एवढंच आव्हान आम्हाला करता येईल. पण या पद्धतीनं महापुरुषांचा आणि महात्म्यांचा अपमान करण्याचा जो कोणी प्रयत्न करेल तर त्याला जनता धडा शिकवेल. आपने जो सवाल पूछा है कि उसमें जो जिनके बारे में आपने पूछा है वो तो हमारी बहू है, उनके बारे में हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे. लेकिन हम इस बारे में इतना ही कहेंगे कि किसी की तुलना जब करते हैं तो उसके लिए वो लेवल की जरूरत होती है. महात्मा और महापुरुष एक हमारे आदर्श रहे हैं, जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सारा त्याग किया है, बलिदान किया है, और इसलिए वो महात्मा और महापुरुष हुए हैं. और वो लेवल पर आज की तारीख में कोई नहीं है, लेकिन कोई लोग अपने आप को वो उनके लेवल का समझते तो वो उनका चॉइस है. अपनी पीठ अपने हाथ से अगर वो ठोक रहे हो तो उनकी आज़ादी है. और मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब बोलते समय में महापुरुषों का और महात्माओं का कोई अपमान ना हो, इसका सबने ध्यान रखना चाहिए. और इसलिए नया भारत और पुराना भारत, ये कुछ लोग लाते हैं तो नया भारत में हमने क्या देखा? नया भारत में हमने यही देखा है कि बाकी सब गरीब और मुट्ठी भर लोग अमीर. तो ऐसा नया भारत हमें नहीं चाहिए. हमारे देश में सभी लोग जिनको ये आज़ादी का सूरज और आज़ादी की सभी सहूलतें मिलती रहे, ऐसा हमें भारत चाहिए. जो नया भारत में जो हो रहा है वो नया भारत हमें नहीं चाहिए. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.